हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको एरर मैसेज आ रहा है वैल्यूएबल इन्वेंटरी नो कंटेंट, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एडसेंस अप्रूवल के दौरान, ये एरर मैसेज आ रहा है, इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आ रहा है एरर मैसेज, आप कैसे गूगल एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास ये एरर मैसेज आ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने अपने जो मेरा एक नया डेमो ब्लॉग है उस पर मैंने सोचा चलो अप्रूवल लेके देखते हैं क्या एडसेंस अप्रूवल देता है और मुझे एरर मैसेज क्यों आ रहा है। मुझे पता था कि ये एरर मैसेज आने ही वाला है क्योंकि मुझे उसमें मेरा कंटेंट वगैरह जो था मुझे पता था क्या एरर आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ये एरर जो है वैल्यूएबल इन्वेंट्री वाला जो एरर है वो क्यों आ रहा है, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और अपना एडसेंस अकाउंट अप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके एडसेंस अकाउंट में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखें, अपनी वेबसाइट का लिंक मत दीजिएगा मुझे, अदरवाइज आपका जो कमेंट है वो स्पैम में चला जाएगा और आपका कमेंट मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सो, अपना एरर मैसेज केवल मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं तो यार थोड़ा वेट करिए, ऐसा नहीं है कि आप जो मैसेज करेंगे तुरंत मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा ऑनलाइन तो रहता नहीं हूँ कि आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं जब ऑनलाइन होता हूँ इंस्टाग्राम पे तब मैं सभी मैसेज को पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई करता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके पास भाई टाइम नहीं है ऐसा ऐसा कुछ बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। उसके लिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, ब्लू होस्ट के बारे में मैंने बताया है आपको ब्लू होस्ट की होस्टिंग क्यों बाय करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक पोस्ट का लिंक भी दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वाले बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग वाले वीडियो में, उसमें मैंने बताया भी है कि आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग कैसे बाय कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए अगर आप एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं और होस्टिंग के लिए सर्च कर रहे हैं कौन सा बेस्ट होगा, तो ये आपकी वीडियो मदद करेगी। और उसके बाद चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं thehindibiography.in, इस वेबसाइट के लिए मैंने सोचा चलिए यहाँ पे अप्रूवल लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने ज़्यादा पोस्ट ही नहीं लिखा है, केवल 13 पोस्ट लिखा था और इसमें मुझे एरर आया है ये वैल्यूएबल इन्वेंट्री नो कॉन्टेंट। इसका सीधा सीधा मतलब सिंपल भाषा में ये होता है दोस्तों कि आपकी वेबसाइट पर वैल्यूएबल कंटेंट ज़्यादा नहीं है, मतलब कंटेंट की कमी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जब भी आप एडसेंस अप्रूवल के लिए जाएं, रिसेंट में अभी कंटिन्यू 2-3 दिन लगातार आप पोस्ट डालिए, उसके बाद एडसेंस अप्रूवल मांगिए, ठीक है। तो 3 पोस्ट 3 दिन में लगातार दीजिए, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्रूवल मांगिए और उसके बाद आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अगर ये एरर आ रहा है तो यानी कि एडसेंस आपको कह रहा है कि आप अपनी कंटेंट को और बढ़ाइए और कंटेंट छोटा मत लिखिए और बड़ा लिखिए, इसका सीधा सीधा आसान भाषा में यही मतलब होता है, ठीक है। तो अभी मुझे इस पे अप्रूवल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पे 13 पोस्ट लिखे हैं, एडसेंस नहीं अप्रूव हुआ, एरर मैसेज आ गया इन्वेंट्री नो वैल्यूएबल नो कॉन्टेंट, ठीक है, वैल्यूएबल नो कॉन्टेंट, ठीक। तो ये क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करूँगा, इस पे कंटेंट लिखना स्टार्ट करूँगा और भी कंटेंट लिखूँगा धीरे धीरे, रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लिखूँगा। जैसे ही मेरे 20-22 पोस्ट हो जाएंगे इस पर, उसके बाद मैं यहाँ पे एडसेंस के लिए अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मुझे, मैं यहाँ पे ना 99% श्योर हूँ कि मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा जैसे ही मैं इस पे पोस्ट लिखना स्टार्ट करूंगा। और सारी चीज़ें डिजाइन होनी चाहिए, वेल डिजाइन होनी चाहिए, देख सकते हैं इस पे मैंने सारे डिजाइनिंग कंप्लीट की है। और बहुत से लोगों में ये थोड़ा दिक्कत होती है कि ये देख सकते हैं ये ब्लॉगर पे वेबसाइट है और यहाँ पे फुटर क्रेडिट आप देख सकते हैं, टेम्पलेट यार से डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ब्लॉगर टेम्पलेट्स, तो इसकी वजह से क्या हमें इशू हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ आपने कर लिया, एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, तब आपको फुटर क्रेडिट रिमूव करके एक बार अप्लाई करना है। अगर आपने सब कुछ सही है, फुटर क्रेडिट नहीं रिमूव करते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करिए एडसेंस के लिए, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो इन्वेंट्री जो वैल्यूएबल इन्वेंट्री नो कॉन्टेंट का इशू है, वो इशू
केवल कंटेंट की कमी के वजह से आ रही है आपके पास। और एक वजह और हो सकती है, वजह यह है कि आपकी कंटेंट इंफॉर्मेटिव है या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे बायोग्राफी के बारे में बता रहा हूँ, लोग सर्च कर रहे हैं, मेरी यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट है, यानी कि लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे है, तो बायोग्राफी के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेटिव पोस्ट की कमी है वो तो नहीं हो सकती है, यानी कि कंटेंट की कमी है। ये आपको एनालाइज करना है, ठीक है? तो आप एनालाइज कर लीजिएगा और आप कंटेंट लिखना शुरू करिए, उसमें बढ़ाइए पोस्ट को। आपके पास पोस्ट की कमी है, और बहुत से लोगों के पास बहुत सारे पोस्ट है, 50-60 पोस्ट हैं, फिर भी ये एरर आता है। क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि आपने जो पोस्ट लिखा है वो गूगल में इंडेक्स होने लायक नहीं है। आप एक बार अपने गूगल वेब मास्टर टूल में चेक करिएगा कि आपकी पोस्ट कितने इंडेक्स हैं। अगर इंडेक्स नहीं है तो उनको इंडेक्स मैन्युअली करवाइए। अगर इंडेक्स होते हैं फिर आपको ये एरर मैसेज नहीं आएगा। सो आप यहाँ पे, आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो गूगल में इंडेक्सेबल होनी चाहिए। तो इंडेक्स हो जाए ऐसी पोस्ट लिखिए, तब आपको भी मिल जाएगी। तो ये मत बोलिएगा कि मेरे पास 100 पोस्ट है, 50 पोस्ट है, फिर भी मुझे ये एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है? आप एक बार देखिए आपकी पोस्ट इंडेक्स हो रही है क्या गूगल में। अगर नहीं हो रही है तो सीधे सीधे प्रॉब्लम है कि आपकी पोस्ट में कमी है, तो इसकी वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो आई होप समझ गए होंगे आप आपको करना क्या है, ठीक है? और दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी गाइड जो है पर डे आ रही है। पर डे मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड। सभी वीडियो जाके देखिए, सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।